हेलो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर सेवन क्वेश्चन नंबर सेवन हमारे पास क्या है क्लास टेंथ एक्सरसाइज सिक्स पॉइंट थ्री एक्सरसाइज सिक्स पॉइंट थ्री के सिक्स तक क्वेश्चन हो चुके हैं आज हम सेवन क्वेश्चन पढ़ेंगे इन फिगर एल्टीट्यूड ए डी एंड सीई सी ई ऑफ ट्रैंगल ए बी से इंटरसेकट ईच अदर एट द पॉइंट पी हमारे पास क्या दे रखा है एक फिगर दे रखी है जिसके अंदर ए डी हमारे पास क्या एल्टीट्यूड और सी ई हमारे पास एल्टीट्यूड है ट्रायंगल ए बी से इंटरसेकट ईच अदर दोनों क्या करते हैं दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं एट पॉइंट पी शो दैट फर्स्ट हमारे पास क्या है ट्रायंगल ए पी सिमिलर है ट्रायंगल सी डी पी पी सी डी पी ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है ये दिखाने के लिए हम क्या करेंगे एक तो 90 डिग्री का एंगल दिखा देंगे क्या लिखेंगे एंगल ए ई पी इज इक्वल टू एंगल सी डी पी ये दोनों में क्या है 90 डिग्री दूसरा हमारे पास क्या बोल देंगे इसका जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है वो भी इक्वल हो जाएगा तो क्या लिखेंगे एंगल ए पी ई इज इक्वल टू एंगल सी पी डी वर्टिकली अपोजिट एंगल और जब किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल दिखा देंगे तो हम क्या बोल देंगे कि बाई एंगल एंगल सिमिलर ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर है ट्रायंगल सी डी पी उसके बाद है सेकंड ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर है ट्रायंगल सी बी ई e, दोनों को सिमिलर दिखाना है हमें ए बी डी ए बी डी ये जो हमारे पास ट्रायंगल है सिमिलर है किसके सी बी ई के इस पूरी के सिमिलर है देखो कैसे करेंगे अब दोनों में हमारे पास कॉमन क्या आता है बी आ गए हमारे पास दोनों में कॉमन ठीक है दूसरा हमारे पास क्या दे रखा है ए बी डी इसमें डी के ऊपर 90 डिग्री का एंगल है और क्या है सी बी ई इसमें ई e के ऊपर 90 डिग्री का एंगल है तो क्या लिखेंगे एंगल ए बी ए डी बी इज इक्वल टू एंगल सी बी दोनों में क्या है नाइन्टी डिग्री और ए बी डी दोनों में ए बी डी और इधर से क्या आ जाएगा सी बी ई दोनों में क्या आ गया बी आ गया दोनों में बी एंगल क्या है कॉमन तो क्या बोल देंगे ट्रायंगल एंगल ए बी डी सिमिलर है ट्रायंगल सी बी ई e. क्यों क्योंकि दो एंगल सिमिलर हैं तो तीसरा भी सिमिलर आएगा इसलिए हमने क्या बोल दिया भाई एंगल एंगल सिमिलरिटी क्रिएशन थर्ड है हमारे पास ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर है ट्रायंगल ए डी बी के ए ई पी ए पी ये जो हमारे पास ट्रायंगल है ये सिमिलर है ए डी बी इस पूरे ट्रायंगल के दोनों में ए एंगल तो हमारे पास कॉमन आ जाएगा तो क्या लिख देंगे और एक हमारे पास 90 डिग्री का आ जाएगा ए ई e, पी यहाँ पे जो ई e है उसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल आ गया उधर डी के ऊपर 90 डिग्री का एंगल आ गया तो क्या लिखेंगे एंगल ए ई पी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी इज इक्वल टू नाइन्टी डिग्री एंड एंगल पी ए इज इक्वल टू एंगल डी ए बी दोनों में क्या आया कॉमन तो क्या बोल देंगे ट्रायंगल एंगल ए ई पी सिमिलर है ट्रायंगल एंगल ए डी बी एंगल एंगल सिमिलरिटी नेक्स्ट है हमारे पास ट्रे पी डी सी पी डी सी सिमिलर है ट्रायंगल एंगल बी ई सी इस पूरी के सिमिलर है तो सी एंगल दोनों में कॉमन आ जाएगा और यहाँ हमारे पास डी के ऊपर एंगल 90 का आ जाएगा इधर ई e के ऊपर एंगल 90 तो क्या लिखेंगे एंगल पी डी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी इज इक्वल टू नाइन्टी डिग्री और एंगल पी सी डी इज इक्वल टू एंगल बी सी ई दोनों में क्या आया कॉमन एंगल आ गया सी तो क्या बोल देंगे ट्रायंगल एंगल पी डी सी ट्राइंगल बी ई सी दोनों क्या है सिमिलर बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी नेक्स्ट है हमारे पास ई इज ए पॉइंट ऑन द साइड ए डी प्रोड्यूस्ड ऑफ ए पैरलोग्राम ए बी सी डी ई हमारे पास एक पॉइंट है जो कि हमारे पास ए बी जो लाइन है उनको प्रोड्यूस करने से बनाया गया है ई पॉइंट ए बी सी डी एंड बी ई इंटरसेक्ट सी डी बी और जो बी ई है वो इंटरसेक्ट करता है इसको पॉइंट एफ पर शो दैट ट्रैंगल ए बी ई ट्रैंगल ए बी ई सिमिलर है ट्रैंगल सी एफ बी ट्रैंगल सी एफ बी इसके सिमिलर है अब देखो ए डी बी ए बी ई ये आ गया हमारे पास और सी बी एफ ये आ गया तो यहाँ पर जो दोनों का अल्टरनेट एंगल बनेगा वो दोनों में क्या आ जाएगा इक्वल आ जाएगा और ये एंगल है ये इसके अपोजिट है तो ये भी इक्वल हो जाएगा देखो कैसे इन ट्रायंगल ए बी ई एंड सी एफ बी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी आ जाएगा अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरलोग्राम और क्या एंगल ए ई बी इज इक्वल टू एंगल सी बी एफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पैरल टू बी सी दो एंगल इक्वल हो गए तो क्या बोल देंगे ट्रैंगल ए बी इज सिमिलर है ट्रैंगल सी एफ बी बाई एंगल एंगल इज सिमिली ठीक है <coughs> ये नंबर वन टू एट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं क्वेश्चन नंबर नाइन क्या है हमारे पास इन फिगर ए बी सी एंड ए एम पी आर टू राइट ट्रैंगल्स हमारे पास दो देर की हैं ए सी और एम पी दो ट्रैंगल्स देर की आर टू राइट ट्रैंगल्स और दोनों क्या है राइट right ट्रैंगल्स एक बी के ऊपर राइट एंगल है और एक एम के ऊपर राइट एंगल्स एट बी एंड एम बी और एम पर हमारा राइट right एंगल है प्रूव दैट ट्रैंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रैंगल ए एम पी ट्रैंगल ए बी सी और एम अब देखो दोनों के अंदर हमारे पास एक तो ए है जो वो दोनों में कॉमन आ जाएगा दूसरा हमारे पास जब ट्रैंगल ए बी सी है तो वहाँ बी पे 90 डिग्री है और जब ए एम पी ए एम पी है तब एम के ऊपर 90 डिग्री है तो ये दोनों का एंगल भी इक्वल हो गया दो सिमिलरिटी आ गई हमारे अंदर ट्रैंग एंगल ए बी सी एंगल ए बी सी एंड एंगल ए एम पी इज इक्वल टू नाइन्टी डिग्री दोनों 90 डिग्री हैं और दूसरा हमारे पास क्या आएगा एंगल ए दोनों में क्या आ जाएगा एंगल ए कॉमन तो क्या बोल देंगे जब हमारे पास दो एंगल इक्वल हैं तो थर्ड एंगल भी इक्वल होगा ट्रै एंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रै एंगल एम पी बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड सेकेंड में हमें प्रूव करना है सी ए डिवाइडेड बाई पी ए सी ए डिवाइडेड बाई पी ए इज़ इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाई एम पी इसके लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा हमने प्रूव कर दिया कि ये जो दो ट्रैंगल्स हैं हमारे पास ट्रैंगल ए बी सी और ट्रैंगल ए एम पी दोनों सिमिलर हैं अगर ये दोनों ट्रैंगल्स सिमिलर हैं तो कॉरस्पोंडिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रैंगल्स प्रोपोर्शनल कोई भी हमारे पास सिमिलर ट्रैंगल्स हैं तो उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो भी इक्वल होती हैं तो देखो हमारे पास सबसे पहले मैंने क्या लिया सी ए अगर हम ट्रायंगल ए बी सी ले रहे हैं तो सी ए हमारे पास क्या है जो 90 डिग्री है उसके सामने की साइड ठीक है अब यहाँ पे अगर ये ले रहे हैं तो हमारे पास ये क्या है 90 डिग्री इसके जस्ट सामने वाली साइड कौन है पी ए तो ये क्या आ जाएगा सी ए बाई पी ए दूसरा इज इक्वल टू बी सी BC हमारे पास ये वाली है जहाँ पे राइट एंगल है तो BC पे राइट एंगल है तो इसके डिवाइड में क्या आएगा MP आएगा क्योंकि यहाँ भी राइट एंगल है तो BC सी बाई एम पी ए हमें प्रूव करना है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टेन CD डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली बाई सेक्टर्स ऑफ एंगल ए सी बी एंड ई जी एफ हमारे पास दो तो ट्रैंगल दे रखी हैं ए बी सी एंड ई एफ जी सच दैट डी एंड एच लाई ऑन साइड ए बी डी हमारे पास कहाँ पर है ए बी साइड के ऊपर है एंड एच हमारे पास कहाँ है ई एफ ऑफ ट्रेंगल ए बी सी एंड ट्रेंगल ई एफ जी ये हमारे पास गिवन है सारा अब हमें प्रूव क्या करना है इफ ये मैं यहाँ पे आपके पास फिगर बना देती हूँ हमें प्रूव करना है कि जो हमारे पास ये दो ट्रैंगल्स दे गई हैं ये दोनों ट्रैंगल्स क्या दे रखे हैं इफ़ ट्रैंगल्स ए बी सी एंड ट्रैंगल ई एफ जी आर सिमिलर अगर हमारे पास ये दोनों ट्रैंगल्स सिमिलर हैं मीन्स अगर ये दोनों ट्रैंगल सिमिलर हैं तो हमारे पास कम से कम इसके अंदर दो या तीन तो सिमिलरिटी हैं ही है। अगर एंगल है तो दो सिमिलरिटी हैं और साइड से है तो तीन सिमिलरिटी मिल जाएंगी हमें तो इसके लिए हमें क्या करना है शो दैट सी डी बाई जी एच इज इक्वल टू ए सी बाई एफ जी ये हमें प्रूव करके दिखाना है कैसे देखो गिवन दैट ट्रैंगल ए बी सी ई एफ जी दोनों क्या है सिमिलर अगर दोनों सिमिलर हैं तो एंगल ए किसके इक्वल होगा एंगल एफ के एंगल बी एंगल ई e के इक्वल होगा और एंगल सी है एंगल जी के इक्वल होगा इसको हमारे पास दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है दोनों को अलग अलग भी लिख सकते हैं हम एंगल ए सी बी इज इक्वल टू लिख दिया हमने एंगल एफ जी ई और दूसरा इन्होंने क्या लिख दिया एंगल ए सी बी और एफ जी ई अगर हमारे पास दोनों इक्वल हैं तो हम कैसे करेंगे देखो एंगल ए सी डी एंगल ए सी डी ये जो आपके पास एंगल है ये किसके इक्वल होगा <coughs> एंगल एफ जी एच इसके इक्वल होगा क्योंकि ये इसका क्या है बाई है आपको बता रखा है क्वेश्चन के अंदर कि क्या है इसका एक बाई सेक्टर बाई सेक्टर है तो इट मीन्स हाफ हाफ में एंगल्स को डिवाइड करेगा तो ये जो हमारे पास एंगल है ये इसके इक्वल आएगा क्या लिख देंगे एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल एफ जी एच एंगल बाई सेक्टर और दूसरा क्या बच गया एंगल डी सी बी ये वाला जो एंगल है ये किसके इक्वल होगा एंगल एच जी ई ये हमारा इसके इक्वल होगा दोनों को हमने दिखा दिया और दोनों में रीज़न क्या है <coughs> एंगल बाई सेक्टर अब लेके चलेंगे इन ट्रैंगल ए सी डी इन ट्रैंगल ए सी डी ये वाली हमारे पास ट्रैंगल ए सी डी और दूसरी हमारे पास ट्रैंगल क्या है एफ जी एच इन दोनों ट्रैंगल्स को हम क्या प्रूव कर देंगे सिमिलर कैसे इन ट्रैंगल ए सी डी एंड ट्रंगल एफ जी एच एंगल ए है वो एंगल एफ के इक्वल है और एंगल ए सी डी है ये जो एंगल A, किसके है किसके इक्वल एंगल ई e, जी एफ के सॉरी ई जी एच के इक्वल है तो हमारे पास दो सिमिलरिटी हो गई दो एंगल सिमिलर हो गए तो क्या बोल देंगे ट्रायंगल एंगल ए सी डी सिमिलर है ट्रायंगल एफ जी एच बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी और अगर एंगल एंगल सिमिलरिटी तो हमारे पास बचे हुए पार्ट्स क्या हैं सी डी लाइन है सी डी लाइन बाई क्या आ जाएगा जी एच इज इक्वल टू ए सी ए सी बाई एफ जी आ जाएगा तो ये दोनों भी हमारे पास क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे साइड्स इसीलिए हमारे पास ये हमें प्रूव करना था नेक्स्ट है सेकंड में दे दिया ट्रैंगल डी सी बी ट्रैंगल डी सी बी सिमिलर है ट्रैंगल एच जी ई अब दोनों में क्या है देखो एंगल बी है वो एंगल ई के इक्वल है और ये जो है एंगल डी सी बी है वो एंगल एच जी ई के इक्वल है एंगल डी सी बी इज इक्वल टू एंगल एच जी ई इज इक्वल टू एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई दो एंगल सिमिलर है तो ट्रा एंगल डी सी बी सिमिलर है ट्रैंगल एच जी ई बाई एंगल एंगल सिमिलर टी थर्ड है हमारे पास एंगल डी सी ए एंगल ट्राएंगल डी सी ए सिमिलर है ट्रैंगल एच जी एफ ये हमारे पास दोनों सिमिलर प्रूव करनी है हमने ऊपर भी प्रूव कर रखा है ये फिर से कर देख के बता देती हूँ मैं ट्रैंगल डी सी एंड ट्रा एचजीएफ एच जी एफ एंगल ए सी डी ये हमारे पास इसके इक्वल होगा तो एंगल ए सी डी इक्वल है एंगल एफ जी एच दूसरा क्या लिख देंगे एंगल ए है वो किसके इक्वल एंगल एफ के इक्वल है सो ट्रा डीसी डी सी ए सिमिलर है ट्रैंगल एच जी एफ बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी नेक्स्ट है इन फिगर ई इज़ ए पॉइंट ऑन साइड सी बी ई हमारे पास एक पॉइंट है किस साइड पे सी बी प्रोड्यूसड ऑफ एन आईसोसेल्स ट्रैंगल ए बी सी ए बी सी हमारे पास एक ट्रंगल है जिसके ए बी जो जो सॉरी बी सी जो साइड है उसको प्रोड्यूस कर दिया गया तो उस पर क्या पॉइंट आता है एक ई विद ए बी इज इक्वल टू ए सी और आईसोसेल्स ट्रैंगल टू साइड इक्वल होती हैं टू साइड में क्या दे दिया ए बी इज इक्वल टू ए सी इफ ए डी परपेंडिकुलर है बी सी एंड ई एफ परपेंडिकुलर टू ए सी प्रूव दैट ट्रैंगल ए बी डी सिमिलर है ट्रैंगल ई सी एफ ये हमारे पास दे रखा है एक ट्रेंगल है ए बी सी जिसमें बी सी जो साइड है उसको प्रोड्यूस कर दिया गया है कहाँ तक पॉइंट ई तक और उसके बाद आपके पास क्या दे रखा है कि उसको प्रोड्यूस करने के बाद ई पॉइंट तक हमने प्रोड्यूस कर रखा है और गिवन में क्या है कि ए बी और ए सी इक्वल है ए बी और ए सी इक्वल है ये जो साइड है ये इसके इक्वल है एंड ए डी परपेंडिकुलर है बी सी पर और ई e, एफ है वो परपेंडिकुलर दे रखा है ए सी पर तो हमें प्रूव करना है कि ए बी डी ए बी डी एंड ई सी एफ ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं सिमिलर देखो कैसे गिवन है हमारे पास ट्रैगल ए बी सी इज है नाई सो सेल्स इट मीन्स टू साइड इक्वल है ए बी इज इक्वल टू ए सी अब दूसरा हमारे पास क्या आ जाएगा एंगल ए बी डी ए बी डी यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो किसके इक्वल होगा एंगल ई सी एफ यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो इसके इक्वल होगा क्यों होगा क्योंकि अगर, अगर हमारे पास ये दो साइड इक्वल हैं अपोजिट साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं तो ये जो है इसके सामने का एंगल यहाँ आ गया इसके सामने एंगल यहाँ आ जाएगा तो ये दोनों दो तो दो एंगल भी इक्वल होंगे अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल भी इक्वल आ गए हमारे पास ये दो चीज़ हमारे पास गिवन आ गई अब लेके चल रहे हैं इन ट्रैंगल ए बी डी अब ए बी डी और ई सी एफ ई सी एफ दोनों में देखो एक तो डी है हमारे पास 90 डिग्री यहाँ ई e, हमारे पास एफ 90 डिग्री है तो क्या लिखेंगे एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ई एफ सी दोनों कितने डिग्री के हैं 90 डिग्री के नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा देखो इसके अंदर बी है हमारे पास इसके अंदर सी आ जाएगा हमारे पास क्या लिख देंगे एंगल बी ए डी इज़ इक्वल टू एंगल सी ई एफ ये भी हमारे पास हो सकता है एंगल बी ए डी और इधर से क्या आ जाएगा सी ई एफ सी ई एफ ये जो एंगल है ये भी क्या हो जाएंगे दोनों के इक्वल कैसे हो जाएंगे क्योंकि ये भी 90 डिग्री का है और 90 डिग्री का जो एंगल है जिसके जस्ट ऊपर जो एंगल है वो दिखा दिया हमने तो इसके ऊपर एंगल क्या है ये तो ये दोनों भी इक्वल होंगे और ये दोनों इक्वल होंगे तो क्या बोल देंगे <coughs> ट्रैगल ए बी डी है वो सिमिलर होगी ट्रैंगल ई सी एफ के बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व साइड्स ए बी एंड बी सी साइड हमारे पास क्या है ए बी एंड बी सी आर एंड मीडियन ए डी और मीडियन क्या है ये जो हमारे पास साइड है मीडियन हमारे पास क्या दे दिया ए डी ऑफ ए ट्रैंगल ए बी सी आर प्रोपोर्शनल टू साइड से ए बी है वो पी क्यू के प्रोपोर्शनल है ये जो साइड है ये इसके प्रोपोर्शनल है और जो बी सी है वो क्या आर के जो बी सी है वो क्या आर के प्रोपोर्शनल है और मीडियन हमारे पास ए डी है वो किसके प्रोपोर्शनल है पी एम के प्रोपोर्शनल है शो दैट एट ए बी सी सिमिलर है ट्रैंगल पी क्यू आर देखो कैसे मीडियन डिवाइड्स द अपोजिट साइड अब जो मीडियन है हमारे पास ये मीडियन ड्रॉ कर रखा है इसके अपोजिट साइड क्या है ये है बी तो इसको डिवाइड कर रहा है डिवाइड कर रहा है इट मीन्स हाफ में डिवाइड कर दिया तो हम बी को हम क्या लिख देंगे कि टोटल का हाफ है बी डी इज इक्वल टू बी सी बाई टू इधर से अगर हम क्या एम को लिख रहे हैं तो क्यू एम क्या हो जाएगा हमारे पास क्यू आर का हाफ कर दिया हमने गिवन दैट है और हमारे पास गिवन क्या है ए बी है वो बी पी क्यू के है अब दे रखा है ना प्रोपोर्शनल ए बी प्रोपोर्शनल पी क्यू और जो बी सी है वो प्रोपोर्शनल है क्यू आर के और थर्ड क्या दे रखा है ए डी है वो प्रोपोर्शनल है पी एम के तो देखो ये जो ट्रायंगल बन गई हमारे पास से, और इधर से ये ये दोनों तो हो गई हमारे पास सिमिलर यहीं पर तो ए बी सी बाई ए बी बाई पी क्यों इज इक्वल टू बी सी बी सी को हम क्या लिख सकते हैं इधर हमारे पास देखो बी सी वन बाई टू कर देंगे क्योंकि दोनों साइड हमारे पास बी सी है यहाँ भी बी सी यहाँ भी क्या हुआ आर तो बी सी का हाफ कर दिया मैंने वन बाई टू बी सी क्या हुआ आर का भी हाफ़ कर दिया वन बाई टू क्या हुआ इससे ये कैंसिल करेंगे तो वापस आ जाएगा बी सी बाई क्या आर इज इक्वल टू ए डी बाई पी एम अब बी सी का अगर हाफ कर देंगे तो वो किसके इक्वल है बी डी के इक्वल है तो ये क्या लिख देंगे बी डी और वन बाई टू क्या हुआ किसके इक्वल है क्या वो एम के इक्वल है तो अब हमारे पास ये तीन तो इक्वल आ गई कि ए बी बाई पी क्या इज इक्वल टू बी डी बाई क्या एम इज इक्वल टू ए डी बाई पी एम तो हमारे पास जो ट्रैएंगल ए बी डी है और ट्रैंगल पी क्यू एम है वो तीन दोनों क्या आ गई सिमिलर इन ट्राएंगल ए बी डी एंड ट्राएंगल पी क्या तीनों चीज़ इक्वल हो गई तो तीनों इक्वल हो गई तो हम क्या बोल देंगे ट्रा एबीडी ए बी डी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्या एम बाई एस 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 साइड 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 सिमिलरिटी साइड साइड से सिमिलरिटी है तो एंगल हमारे पास क्या आ जाएगा ए बी डी इक्वल हो जाएगा किसके एंगल पी क्या हुआ? कॉरस्पोंडिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रैंगल सिमिलर ट्रैंगल के कॉरस्पोंडिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रै पी क्यू आर दोनों ट्रैंगल्स में हमारे पास कंडीशन क्या हो गई देखो ए बी और बी सी तो हमारे पास इक्वल थी और उसके बाद हमने क्या निकाल दिया एक तो ए बी थी और एक बी सी ये दो तो हमारे पास इसके इक्वल थे अब हमने एक और प्रूव कर दिया जो हमारे पास वो क्या है कि जो एंगल बी है वो किसके इक्वल एंगल है क्या के इक्वल है तो तीन चीज़ इक्वल हो गई एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल पी क्या है? और दो साइड हो गई ए बी और ए बी सी ए बी पी क्यू के इक्वल और बी सी क्यूआर आर के इक्वल है तो क्या बोल देंगे ट्रैंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रै पीक्यूआर बाय क्यू आर बाई एस ए एस कैसे आया एस ए एस ए बी बी सी और बी पर एंगल ए बी और बी के ऊपर एंगल है और बी सी तो क्या आ जाएगा साइड एंगल साइड तो इससे हम क्या बोल देंगे सिमिलरिटी नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्टीन डी इज़ ए पॉइंट ऑन द साइड बी सी डी हमारे पास एक पॉइंट है किस साइड पर बी सी पे ऑफिट रे एंगल ए बी सी सच दैट एंगल ए डी सी ए डी सी यहाँ पर जो एंगल बनेगा इज इक्वल टू एंगल बी ए सी बी ए सी यहाँ पर जो एंगल बनेगा शो दैट सी ए स्केयर सी ए स्केयर इज इक्वल टू सी बी इन टू सी डी सी बी इंटू सी डी ये इसके इक्वल प्रूव करके दिखाना हमें कैसे देखो इन ट्रंगल ए डी सी ए डी सी और दूसरी ट्रैंगल हमने क्या ले ली बी ए सी एक हमने ये ट्रैंगल ले ली एक हमने पूरी पूरी ट्रैंगल ले ली दोनों में देखो क्या है हमारे पास इन एंगल ए डी सी एंगल ए डी सी ये जो एंगल है ये किसके इक्वल दे रखा है ये एंगल एंगल बी ए सी का इक्वल दे रखा है ये हमारे पास क्या हो गया दोनों में गिवन दूसरा चीज हमारे पास क्या है सी हमारे पास दोनों में क्या आ जाएगा कॉमन क्योंकि अगर हम ये ट्रैंगल ले रहे हैं तब भी आएगा सी और पूरी ट्रैंगल ले रहे हैं तब भी सी आएगा तो क्या बोल देंगे एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल बी सी ए दोनों में कॉमन आ गया और जब हमारे पास दो एंगल इक्वल हो गए तो क्या बोल देंगे ट्रैंगल्स सिमिलर हैं ट्रैंगल ए डी सी सिमिलर

डिवाइडेड बाई सी बी किस रीज़न से लिखा हमने ये देखना है हमारे पास क्या दे रखा है एंगल ए डी सी एंगल ए डी सी यहाँ पर जो एंगल है इस ट्रेंगल में से मैंने क्या लिया सी ए इस ट्रेंगल में से तो क्या आ गया हमारे पास सी ए डिवाइडेड बाई और दो ये अपोजिट साइड में किसके इक्वल था इसके इक्वल था ये जो एंगल है इसके सामने की साइड ले ली मैंने तो इस एंगल के भी सामने की साइड कौन होगा बी सी होगा बाई बी सी इज इक्वल टू फिर इसी में से हमने क्या ले लिया सी डी ये हमारे पास सी डी है इट मीन्स ये जो हमारे पास थी इसका बेस ले लिया हमने तो इसका जो बेस लेंगे तो वो क्या आ जाएगा सी ए आ जाएगा क्योंकि बेस कहाँ है जहाँ एंगल बना हुआ है वहीं पे तो बेस होता है तो यहाँ पे जब इसके ऊपर एंगल है तो बेस ये हो जाएगा तो क्या लिखेंगे सी डी बाई सी ए अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी सी ए स्केर इज इक्वल टू सी बी मल्टीप्लाई सी डी नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइड्स ए बी एंड ए सी आर मीडियन ए डी ऑफ ए ट्रैंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड पी क्यू एंड पी आर एंड मीडियन पी एम ऑफ ए अनदर ट्रैंगल पी क्यू आर जो आपको पीछे मैंने बताया था उसी की तरह है बेटा शो दैट हमें क्या बताना है प्रूव करके ट्रैंगल ए बी सी ट्रैंगल ए बी सी सिमिलर प्रूव करना है हमें ट्रैंगल पी क्यू आर इन दोनों को हमें सिमिलर प्रूव करके दिखाना है कैसे करके दिखाना है देखो गिवन दैट ए बी बाई पी क्यू ए सी बाई पी आर और ए डी बाई पी एम ये तीन चीज़ हमारे पास गिवन है कि ए बी है वो पी क्यू के और जो बी सी है सॉरी ए सी है वो पी आर के और ए डी है वो पी एम के प्रोपोशनल है प्रोपोर्शनल है तो ऐसे लिख देंगे लेट अस एक्सटेंड ए डी एंड पी एम अप टू पॉइंट ई एंड एल हमने एक्सटेंड कर दिया ए डी को किस पॉइंट तक ई पॉइंट e तक और इसमें जो ये पॉइंट था इसको हमने कहाँ तक एक्सटेंड कर दिया एल तक सच दैट तो हमारे पास जो ए डी है वो किसके इक्वल हो जाएगा डी ई के इसको इतना एक्सटेंड कर दिया कि जो ए डी है वो डी ई हो जाएगा और पी एम है वो किसके इक्वल हो जाएगा एम में एल के इक्वल हो जाएगा देन ज्वाइन बी टू ई बी से ई e को ज्वाइन कर दिया और सी से ई e को ज्वाइन कर दिया क्या उसे एल को ज्वाइन कर दिया और आर से एल को ज्वाइन कर दिया वी नो दैट मीडियन डिवाइड अपोजिट साइड से जो मीडियन है हमारे पास ये जो मीडियन है ये अपोजिट साइड्स को डिवाइड करता है डिवाइड अपोजिट साइड तो अपोजिट साइड को अगर ये डिवाइड करता है तो बी डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बी डी इज इक्वल टू सी डी इधर से क्या आ जाएगा क्या एम इज इक्वल टू एम आर ए डी इज इक्वल टू अब ये तो हमारे पास हो गया फिर उसके बाद क्या है ए डी है वो किसके इक्वल है ए डी इज इक्वल टू डी ई ए डी इज इक्वल टू डी ई बाई कंस्ट्रक्शन जो हमने कंस्ट्रक्शन की उसके इक्वल उसके अनुसार हम क्या बोल सकते हैं कि ए डी है वो डी ई के इक्वल है कैसे क्योंकि जितने हमारे पास ए डी था हमने उतना ही इसको आगे प्रोड्यूस किया था और इसी तरह से पी एम है वो किसके इक्वल है एम एल के इन क्वाड्रिलेटरल ए बी ई सी एंड क्वाड्रिलेटरल पी क्यू एल आर दो क्वाड्रिलेटरल हो गई अब दोनों में देखो क्या इक्वलिटी दिखाएंगे इन क्वाड्रिलेटरल ए बी ई सी ए ई एंड बी सी बाई सेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट डी दोनों किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं हमारे पास यहाँ आएगा बी सी एट पॉइंट डी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं सो क्वाड्रिलेटरल ए बी ई सी तो हमारे पास अगर ये दोनों पॉइंट्स डी पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इट मीन्स हम क्या बोल देंगे डायगनल्स इक्वल भी हैं और जो साइड है वो इक्वल दिखाई रखी है हमने कि ये साइड इसके इक्वल है दे रखा है वो तो आपको गिवन में तो क्या बोल देंगे क्वाड्रिलेटरल ए बी ई सी इज ए पेरलोग्राम जिसके अंदर ए सी है वो किसके इक्वल है बी ई e के इक्वल अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ए बी है वो किसके इक्वल है सी ई e के इक्वल अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरलोग्राम आर इक्वल इसी तरह से इसमें लिख देंगे हम सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट क्वाड्रिलेटरल पी क्यू एल आर इज ए पेरलोग्राम एंड पी आर इज इक्वल टू क्यू एल सो दैट पी आर इज इक्वल टू कैट पी क्यू इज इक्वल टू एल आर हमारे पास क्या हो जाएगा ए बी बाई पी क्या हुँ? मैं आपको फिगर बना के दिखा देती हूँ यहाँ पे ये आपके पास जो फिगर दे रखी है हम उसी फिगर के अकॉर्डिंग करेंगे क्वेश्चन को आगे भी सॉल्व ए बी सी और इधर आपके पास ई e पॉइंट है ये आपके पास डी पॉइंट है इसी तरह से यहाँ भी हमें से एक फिगर क्योंकि प्रोपोर्शनल दे रखी है दोनों इक्वलिटी और प्रोपोर्शनल में चेंज होता है इक्वल होता है बिल्कुल सेम प्रोपोर्शनल होता है किसी ना किसी रेशियो में ये दे रखा आपको अब देखो ए बी है वो किसके हो जाएगा पी क्यू हो जाएगा और ए सी है वो पी आर दे रखा है ये सब आपको और ए डी है वो किस में आ जाएगा पी एम ये तीनों चीजें आपके पास गिवन में थी ए बी बाई पी क्यू बी ई बाई क्यू एल ए सी ए सी को मैंने क्या लिख दिया बी ई ए सी जितना हमारे पास ए सी है देखो ये है ए सी इसको हम क्या लिख सकते हैं बी क्यों क्योंकि अभी हमारे पास हमने प्रूफ किया कि, कि पैरलोग्राम पैरलोग्राम है तो अपोजिट साइड इक्वल है तो मैंने इसकी जगह क्या लिख दिया कि ए सी की जगह बी ई हो जाएगा और पी आर कीजिएगा हमारे पास से क्या आ जाएगा क्यू एल इज इक्वल टू ए डी ए डी है वो किसके इक्वल है ए डी का भी टू टाइम्स कर दिया पी एम का भी टू टाइम्स कर दिया तो क्या हो जाएगा ए ई हो जाएगा और पी एल टू टाइम्स ऑफ ए डी बाई टू टाइम्स ऑफ पी एम ये इट इज रहेंगे दोनों और टू टाइम्स ऑफ ए डी कर देंगे तो ये हो जाएगा दोनों टू टाइम्स कर दिया तो क्या आ जाएगा ए ई और ये क्या आ जाएगा पी एल तो क्या बोल देंगे ट्रैंगल ए बी ई e. ये जो हमारे पास ट्रैंगल है ट्रैंगल ए बी ई e. सिमिलर है ट्रैंगल पी क्यू एल दोनों हमारे पास ट्रैंगल सिमिलर हो गई बाई साइड साइड है. साइड से कोरोस्पॉग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल और जो सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं उनके कॉरस्पोंडिंग एंगल्स क्या होते हैं इक्वल तो एंगल बी ए ई इक्वल आ जाएगा क्या ऊ पी एल के एंगल बी ए इज इक्वल टू एंगल क्या ऊ पी एल इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई सिमिलरली इट के कैन बी प्रूव दैट इसी तरह इसको भी हम प्रूव कर देंगे कि ट्रायंगल ए सी ई है वो किसके सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल पी आर एल के ये दोनों भी सिमिलर हो जाएंगे और ये सिमिलर हो गई तो हम क्या बोल देंगे एंगल सी ए ई सी ए ये जो हमारे पास एंगल है इक्वल आ जाएगा एंगल आर पी एल के एंगल सी ए इज इक्वल टू एंगल आर पी एल इसको इक्वेशन नंबर टू नाम दे दिया ऐड कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे तो हमारे पास ये दोनों का टोटल आ जाएगा क्या आ जाएगा एंगल बी ए ई प्लस एंगल सी ए ई इज इक्वल टू इधर इन दोनों को प्लस कर देंगे एंगल क्या ओ पी एल प्लस एंगल आर पी एल दोनों को प्लस करने से जब ये पूरा एंगल बन गया तो ये क्या हो जाएगा एंगल बी ए सी तो इसको हम क्या बोल देंगे सी ए बी इज इक्वल टू आर पी क्या हुँ? ये इक्वेशन नंबर थ्री आ जाएगी अब ये जो दो ट्रायंगल्स हैं इन दोनों ट्रायंगल्स को दिखाने के लिए हमारे पास क्या आ गया ए बी बाई पी क्यू आ गया और ए सी बाई पी आर आ गया और थर्ड क्या आ गया एंगल ए है वो किसके इक्वल आ गया एंगल पी के इक्वल आ गया तो हम क्या बोल देंगे ट्रैंगल ए बी सी है वो सिमिलर है ट्रै पी क्यू आर बाई एस ए एस एस ए एस मीन साइड एंगल साइड ये प्रूव करना था हमें नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन ए वर्टिकल पोल ऑफ ए हाइट ऑफ लेंथ सिक्स मीटर कास्ट ए शेडो फोर मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एट द सेम टाइम ए टावर कॉस्ट ए शेडो ट्वेंटी एट मीटर लॉन्ग फाइंड द हाइट ऑफ द टावर देखो हमें ये दे रखा एक है एक वर्टिकल पोल है एक वर्टिकल पोल है जिसकी लेंथ सिक्स मीटर है तो वो शेडो कितनी देता है फोर मीटर की और उसी तरह से हमारे पास एक वर्टिकल एक टावर है और टावर में क्या दे रखा है कि हमारे पास अगर उसकी शेडो 28 मीटर है तो उसकी हाइट क्या होगी दोनों में हमारे पास सिमिलरिटी हो जाएगी देखो कैसे लेट ए बी एंड सी डी बी ए टावर ए बी और हमारे पास सी डी है ए बी हमारे पास एक टावर है और सी डी हमारे पास क्या है एक पोल एंड बी ई एंड डी एफ बी ई बी ई और डी एफ हमारे पास क्या है शेडो ऑफ ए बी और सी डी ए बी की शेडो बी ई हो गई और सी डी की शेडो डी एफ हो गई सो एंगल डी सी ई एंगल डी सी ई एफ सॉरी एंगल डी सी एफ इक्वल होगा किसके एंगल बी ए ई के ये दोनों एंगल क्या होंगे इक्वल होंगे एंड एंगल डी एफ सी एंगल डी एफ सी ये जो हमारे पास एंगल होगा ये किसके इक्वल होगा एंगल बी ई ए क्योंकि वो तो सेम बनाएंगे हमारे पास एंगल और थर्ड हमारे पास क्या है एंगल सी डी एफ ये जो हमारे पास है ये किसके इक्वल होगा एंगल ए बी ई टावर एंड पोल आर वर्टिकल टू द <coughs> ग्राउंड टावर और पोल दोनों क्या वर्टिकल मीन सीधे खड़े हुए हैं ग्राउंड पे तो क्या बोल देंगे ट्रा ए बी सी और ट्रै सी डी ई है एफ है वो दोनों क्या है एंगल एंगल सिमिलरिटी अगर एंगल एंगल सिमिलरिटी है तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगी तो हम क्या बोल देंगे कि ए बी बाई सी डी इज इक्वल टू हो जाएगा बी ई बाई डी एफ ए बी बाई सी डी इज इक्वल टू बी ई बाई डी एफ ए बी हमारे पास क्या है ए बी नहीं पता हमें और सी डी हमारे पास कितना है सिक्स इज इक्वल टू बी एफ बी एफ हमारे पास बी ई बी ई हमारे पास 28 है और डी एफ हमारे पास 4 है 4 सेवन जो ट्वेंटी एट ए बी इज इक्वल टू सिक्स को उधर लेके सेवन मल्टीप्लाई सिक्स है फोर्टी टू हाइट ऑफ टावर कितना आ जाएगा हमारे पास 42 मीटर नेक्स्ट है 16 इफ ए डी एंड PM are median of a triangle ABC and PQ are where triangle ABC and triangle PQ are similar prove that AB by PQ is equal to AD by पी एम ये हमें प्रूव करना है अगर हमारे पास ट्रैंगल्स सिमिलर दे रखी हैं तो क्या देखते हैं देखो इन ट्रेंगल्स ए बी सी एंड पी क्या वो आर सिमिलर वी नो दैट द कॉरस्पोंडिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रेंगल्स आर इन प्रोपोर्शनल तो हमारे पास दो सिमिलर ट्रेंगल्स हैं उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो कैसी होती हैं किसी न किसी रूप में प्रोपोर्शनल होती हैं तो क्या लिखेंगे ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर और बी सी बाई क्यू आर तीनों को हमने नोट कर दिया एंगल ए है वो एंगल पी के इक्वल होगा एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल होगा और एंगल सी है वो एंगल आर के इक्वल होगा दो इक्वेशन ले ली हमने सिंस ए डी एंड पी एम आर ए डी और पी एम हमारे पास क्या है मीडियंस हैं दे विल डिवाइड देयर ऑपोजिट साइड तो ये अपनी अपोजिट साइड को डिवाइड करेंगे तो बी सी का भी हाफ uh, कर देंगे तो क्या आ जाएगा बी डी किसके इक्वल आ जाएगा बी सी का हाफ आ जाएगा क्या वो एम हो वो किसके इक्वल आ जाएगा क्या पी का क्या वो आर का हाफ आ जाएगा इसको इक्वेशन नंबर थर्ड नाम दे दिया इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड में देखो फर्स्ट और थर्ड से हमारे पास क्या आ जाएगा ए बी बाई पी क्यू ए बी बाई पी क्यू इक्वल आ जाएगा बी डी बाई क्यू एम के जो हमारे पास बी सी है मैंने बी सी का भी हाफ कर दिया और क्यू आर का भी हाफ कर दिया बी सी का हाफ किसके इक्वल आ जाएगा बी डी के इक्वल आ जाएगा क्यू आर का हाफ कर देंगे तो क्यों एम के इक्वल आ जाएगा इसको इक्वेशन नंबर फोर बोल दिया हमने इन ट्रैंगल ए बी डी ट्रै ए बी डी एंड ट्रैंगल पी क्यू एम अब इन दोनों में क्या आ जाएगा एंगल बी और एंगल क्यू दोनों में क्या है यूजिंग सेकेंड सेकेंड से हमारे पास क्या एंगल बी और एंगल क्यू क्या है इक्वल है नेक्स्ट हमारे पास क्या है फोर्थ में हमने प्रूव कर दिया है कि जो ए बी है वो पी क्यू के इक्वल है और पी क्यू सॉरी बी डी है हमारे पास वो क्यू एम के इक्वल है तो यूजिंग फोर ये दो भी इक्वल हो गए एक एंगल इक्वल हो गया दो साइड इक्वल हो गई तो ट्रैंगल ए बी डी है वो हमारे पास क्या आ जाएगी सिमिलर आ जाएगी ट्राएंगल पी क्यू एम ए बी डी पी क्यू एम के सिमिलर है बाई एस ए एस तो हम क्या लिख सकते हैं ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी डी बाई एम इज इक्वल टू ए डी बाई पी एम ये हमें प्रूव करना था ये थी हमारी एक्सरसाइज 6.3 ओके थैंक यू